प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 18 जून को सुनिश्चित किया है। हाई स्कूल का रिजल्ट दोपहर 2 बजे और वहीं इंटरमीडिएट का रिजल्ट 4 बजे घोषित किया जाएगा। इसे डायरेक्टर व सभापति डॉक्टर सरिता तिवारी और सचिव दिव्यकांत शुक्ला घोषित करेंगे। इस बार परीक्षा परिणाम घोषणा लखनऊ से ना होकर यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज से की जाएगी। पिछले 4 साल से परिणाम लखनऊ से होता था। इस रिजल्ट का प्रदेश के 47 लाख परीक्षार्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। इतना ही नहीं, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र छात्राओं को अगली क्लास में जाने के लिए मार्कशीट की ज़रूरत होगी। हम आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। तो वहीं यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि लगभग 47 लाख छात्र छात्राएं इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 27,81,654 परीक्षार्थी हाई स्कूल के और 24,11,035 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए करीब 51,92,689 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले साल 2021 में कोरोना महामारी के कारण यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। कक्षा 9 के वार्षिक परीक्षाएं और 10 की आंतरिक परीक्षाएं में प्राप्त अंकों के आधार पर 10वीं का रिजल्ट तैयार हुआ। तो वहीं इंटरमीडिएट के छात्रों के 10वीं, 11वीं और 12वीं के आंतरिक अंकों पर आधार बनाया था। 10वीं में 99.92% व 12वीं में 97.88% छात्र पास हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।